तीन दिन पहले जब मीरा ने अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया, उसके बाद अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो मर गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर से लिपटकर उसकी दोनों बेटियां रीमा और सीमा अपनी नवजात बहन छुटकी को गोद में उठाए रोने लगी। माँ, माँ क्या हो गया? माँ उठो ना, माँ जागो ना, आंखें खोलो ना माँ। उन्हें इस तरह रोते देखकर उसके पिता सुरेश को बहुत गुस्सा आया और वो उन पर चिल्लाते हुए बोला, अरे करम जलियो, क्यों रो रही हो तुम लोग? अच्छा हुआ तेरी माँ मर गई, धरती पर बोझ थी वो बोझ। एक के बाद एक लड़की पैदा किए जा रही थी, काश कि वो पहली लड़की को पैदा करते ही मर जाती। अब तुम लोग खामोश हो जाओ, नहीं तो तुम तीनों की तीनों को माँ के पास भेज दूंगा। हाँ, सुरेश की पत्नी मीरा को मरे अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे। उसकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सुरेश ने चंदा नाम की औरत से दूसरी शादी कर दी। सुरेश तो जालिम था ही, चंदा तो जुल्म करने के मामले में उससे भी 10 कदम आगे थी। वो ना तो उन बच्चियों को ठीक से खाने देती और ना ही पहनने। एक रात जब उनकी सबसे छोटी बहन भूख से रो रही थी तो वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और रीमा के हाथ से छुटकी को छीन लिया। क्यों री, क्यों कर रही है तू? भैं 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 हैं, क्यों कर रही है? अब वो नवजात बच्ची चंदा की बातों का भला क्या जवाब देती, वो तो उसी तरह रोती रही। उसे रोता देख कर चंदा का पारा और भी चढ़ गया और वो उसकी तरफ घूरती हुई बोली, बहुत रोना आ रहा है तुझे, बहुत भें भें कर रही है तू, रुक आज मैं तेरी सारी भें भें निकालती हूँ। चंदा छुटकी को लेकर घर से बाहर निकली और घर के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रखा था, उसके ऊपर वो उसको पटकने ही वाली थी कि रीमा और सीमा ने अपनी सौतेली माँ के पैर पकड़ लिए। माँ 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 इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो माँ, ये बहुत छोटी है। दूर हटो, मुझसे दूर हटो। और ये मामा क्या लगा रखा है? मैं तुम लोगों की माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो गई हमेशा के लिए तुम लोगों को छोड़कर। मैं मालकिन हूँ इस घर की और तुम लोग नौकरानी, समझी? क्या हो तुम लोग? हम नौकरानी है मालकिन। चंदा अपनी सौतेली बेटियों पर चीख ही रही थी कि तभी उसका पति सुरेश बाहर आया और चंदा से बोला, अरे क्या बात है भाग्यवान, तुम इतनी रात को यहाँ घर के बाहर क्या कर रही हो? आपकी ये अपशगुनी बेटियाँ मुझे ठीक से सोने दे, तब तो मैं घर के अंदर रहूंगी। क्यों रे, तुम लोग तो अपनी माँ को खा गई, अब इसके पीछे पड़ी हो? रुको, अभी तुम लोगों को बताता हूँ। सुरेश ने वहीं पास पड़े डंडे से उन लोगों की पिटाई शुरू कर दी। वो बेचारी रहम की भीख मांगती रही, लेकिन वो जल्लाद की तरह उन्हें पीटता रहा। और जब वो मार मार कर थक गया तो चंदा ने मोर्चा संभाला और उन्हें पीटने लगी। इसी क्रम में छुटकी का सिर फूट गया और वो फिर से रोने लगी। तो यही है जड़, इस जड़ को आज मैं उखाड़ देती हूँ। चंदा छुटकी के सिर पर फिर से प्रहार करने वाली थी, तभी सुरेश ने उसका डंडा पकड़ लिया। अरे भाग्यवान, पागल हो गई है क्या तू? कहीं ये शैतान की पुड़िया मर गई तो तू बेवजह जेल चली जाएगी, फिर मेरा क्या होगा तेरे बिना? मैं कैसे जीऊंगा, ये कभी सोचा है? देखो, दुश्मन को ऐसे मारो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इससे किसी को हम पर शक नहीं होगा। अगले दिन की ही बात है, चंदा ने तीनों बेटियों को सुबह सुबह एक फरमान सुना दिया। कान खोल कर सुन लो तुम लोग, सारा दिन जो तुम लोग मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती हो वो मेरे रहते हुए तुम लोगों को तोड़ने नहीं दूंगी। तुम लोग अभी के अभी खेत पर जाओ और खेत की जुताई करना शुरू करो। हर दिन तुम्हें सुबह से शाम तक जुताई करनी है, फिर कुछ दिन बुआई भी करनी है। दोनों बहनें जुताई के लिए बैलों की रस्सी खोलने लगी तो चंदा ने चीखते हुए कहा, बैलों से जुताई नहीं करनी है, तुम लोग खुद बैलों की जगह पर रहोगी और जुताई करोगी। रीमा और सीमा छुटकी को गोद में उठाए खेत की ओर निकल पड़ी। उन बेचारियों ने उस समय तक एक बूंद पानी का भी नहीं पिया था। उन्होंने पेड़ के नीचे छुटकी को रखा और खुद ही कांधे पर हल को रखा और खेतों की जुताई करने लगी। उधर उसकी सौतेली माँ सुरेश से कह रही थी, पूरा दिन धूप में खेतों में भूखी प्यासी वो काम करेंगी, देखना लू के कारण उनमें से एक आध तो टपक ही जाएगी और जो बचेंगी वो भी भूख प्यास से आज नहीं तो कल मर ही जाएंगी। दोपहर तक वे बेचारी बच्चियां धूप में काम करती रहीं। धूप से उनका शरीर अब जल भी रहा था और प्यास से गला भी सूख रहा था। इस बीच उनकी छोटी बहन भी भूख से रोने लगी थी। वे उसके पास जा ही रही थी तभी उन्होंने देखा कि एक गाय उनकी छोटी बहन की ओर बढ़ रही है। रीमा दीदी, वो देखो, गाय छुटकी की ओर बढ़ रही है, कहीं वो उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। वो दोनों दौड़कर गाय की ओर बढ़ी, लेकिन वो गाय तो छुटकी के पास जाकर खड़ी हो गई और उसे अपना दूध पिलाने लगी। दोनों बहनों को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अपनी माँ की याद आ गई, जब वो जिंदा थी तो कैसे उन दोनों बहनों का ख्याल रखती थी। रीमा और सीमा उस गाय की पीठ को सहलाने लगी तो वो जोर जोर से रंभाने लगी। उसके बाद उस गाय ने एक अद्भुत चमत्कार वहां किया।
उसने अपनी आंखें बंद की और आसमान की ओर देखने लगी। अचानक वहां पर तरह तरह की खाने की चीजें भी आ गई। अरे सीमा, ये देखो, ये खाने की चीजें कहाँ से आ गई? ये तो कोई जादुई गाय है। उन्होंने उस गाय का शुक्रिया अदा किया और भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद जब वो खेत को फिर से जोतने लगी तो उन्होंने देखा कि उस गाय ने तो पहले ही पूरा खेत जोत दिया है, लेकिन अचानक वो गाय न जाने कहां गायब हो गई। उसी शाम की बात है। क्या कहा तुम लोगों ने? सारा खेत जोत दिया है? ये तो असंभव है। आप खेत पर जाकर देख सकती हैं मालकिन। अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ अब घर का सारा काम करो, नहीं तो एक रोटी भी नहीं मिलेगी खाने को। मैं अभी बाजार से आती हूँ। चंदा के बाजार जाने के बाद वो गाय न जाने फिर वहां पर कहां से आ गई। उसने अपनी जादुई शक्ति से घर का सारा काम भी कर दिया, यही नहीं उन्हें भरपेट खाने को भी दिया। चंदा जब बाजार से आई तो उसने देखा कि घर का सारा काम हो गया है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आधे घंटे में कोई सारा काम कैसे कर सकता है। क्या बात है, ये लड़कियां कोई काला जादू सीख गई हैं क्या? पहले तो शाम तक पूरे खेत की जुताई कर दी और अब आधे घंटे में घर का काम भी कर दिया। उस दिन के बाद वो गाय सीमा और रीमा की मदद खेत पर भी करती और घर पर भी। एक रात तो वो गाय चुपके से आई और जब छुटकी रो रही थी तो उसे औरत के वेश में दूध भी पिलाने लगी। उसका आधा शरीर गाय का था और आधा औरत का। अचानक रीमा और सीमा की आंख खुली और जब उसने उस औरत की तरफ देखा तो आश्चर्य से भर गई। ये तो उसकी माँ थी। वो माँ माँ कहकर उनसे लिपट गई। माँ, तुम वापस आ गई? हाँ बेटा, वापस तो आई हूँ, लेकिन ये मेरा दूसरा जन्म है। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी। इसी तरह सब कुछ चल रहा था कि एक दिन अचानक चंदा को फिर से छुटकी के रोने से चिढ़ हो गई और वो उसे उठाकर फिर से पत्थर पर पटकने वाली थी। तभी दोनों बहनों ने फिर से उसे रोका, लेकिन उसने उन दोनों को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। लेकिन तभी वो गाय वहां आई और उसे अपनी सींगों से उठाकर नीचे पटक दिया। चंदा को उस गाय पर बहुत गुस्सा आया। वो घर के अंदर से डंडा लेकर बाहर भागती हुई आई, लेकिन तब तक वो गाय वहां से गायब हो गई थी और गाय के साथ सुरेश की तीनों बेटियां भी घर पर नहीं थी। चंदा और सुरेश ने उन्हें बहुत खोजा और जब वो नहीं मिली तो अच्छा ही हुआ वो यहाँ से खुद ही भाग गई, नहीं तो आज नहीं तो कल तो यहाँ से उन्हें भागना ही था या यही मरना था। घर से भागने के कुछ दिनों बाद सीमा और रीमा ने उस गाय की जादुई शक्तियों की मदद से एक छोटी सी दुकान खोली जिसमें गाय के दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, लस्सी, छाछ वो बेचा करती। उनकी वो दुकान खूब चल निकली और धीरे धीरे उनकी तरक्की होने लगी। लेकिन जब ये बात चंदा और सुरेश को पता लगी तो अरे मुझे तो पहले ही शक था, उन लड़कियों ने जरूर कोई काला जादू सीखा है, तभी तो सारा काम चुटकी में कर लेती थी। और अब तुम कह रहे हो कि उन्होंने मार्केट में फिर से एक बड़ी दुकान खोली है, वैसे कहां से सीखा है उन्होंने ये जादू? हमें पता करना होगा, तभी तो हमारे पास भी पैसे ही पैसे होंगे। उन्होंने चोरी छिपे सारी बातों का पता लगा लिया और जब उसे पता लगा कि इन सब के पीछे उस गाय का हाथ है जो उनके साथ रहती है, तो उन्होंने उसे चोरी करने का प्लान बनाया। एक रात वो उसे चोरी करने के लिए सीमा और रीमा के घर में घुस गए। उन्होंने चुपके से गाय की रस्सी खोली तो देखा कि वो तो अचानक गायब हो गई। अरे वो गाय तो अभी अभी यहाँ थी, अचानक से वो कहाँ गायब हो गई? कुछ देर बाद उन्हें वही गाय किसी और जगह बंधी दिखी और जब उन्होंने उसकी रस्सी फिर से खोली तो वो फिर गायब हो गई। अरे भाग्यवान, ये क्या हो रहा है? आखिर वो गाय गायब कहाँ हो जा रही है? वो दोनों परेशान होकर इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी वो गाय उनकी तरफ गुस्से से दौड़ती हुई आई और उन्हें अपनी सींग पर उठा लिया और जोर जोर से घुमाने लगी। अरे अरे ये, अरे ये, 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 ये क्या कर रही हो गौ माता? अरे छोड़ दो हमें। गाय ने अपनी सींग मार मार कर उन्हें लहूलुहान तो किया ही, उनकी हड्डियां तक तोड़ डाली। वे लोग किसी तरह वहां से भाग निकले और फिर कभी वहां वापस लौट कर नहीं आए। तीनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी। ये क्या लाई है मेरे लिए? क्यों माँ, आपने तो बोला था ब्रेकफास्ट लाने के लिए। ये ब्रेकफास्ट है? रोटी और सब्जी, ये सब तो कुत्ते खाते हैं। मेरे लिए बटर टोस्ट और सनी साइड एग लेकर आ। वो कैसे बनाते हैं माँ, मुझे नहीं पता। तुझे इतना भी नहीं पता? तेरी खुद की माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया है क्या? ये बोलकर जूलिया नन्ही सी पूजा को अपने जूते से मारने लगी। पूजा के गाल में जूते के निशान छप गए। उसे बचाने के लिए उसकी बहन राखी आई। मेरी दीदी को क्यों मार रही हो? मेरी दीदी ने क्या किया? राखी की गोद में उन दोनों की छोटी बहन गुड्डी है। गुड्डी सिर्फ 5 महीने की है, लेकिन जूलिया ने उसकी उम्र का लिहाज नहीं किया। उसने गुड्डी को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। वो जोर जोर से रोने लगी।
उसके सर से खून निकलने लगा। पूजा ने उसे गोद में उठा लिया और रोते हुए अपने पिता के पास गई। पिताजी, आपकी नई बीवी ने मुझे जूते से मारा और गुड्डी को जमीन पर पटक दिया। जरूर तुम लोगों ने ही कुछ किया होगा। तुम लोग एकदम तुम्हारी माँ जैसी हो, एकदम निकम्मी। पूजा के पिता ने भी उसे ठुकरा दिया। पूजा और राखी बहुत अकेला महसूस करने लगी। इस दुनिया में उनसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। उनकी माँ उन्हें छोड़कर परलोक चली गई। इतनी छोटी उम्र में अगर किसी को माँ से जुदा होना पड़े तो उससे ज्यादा कठोर सजा शायद उस दुनिया में और कुछ नहीं है। पहले थोड़ी से आंसू गिरने पर ही माँ के गोद में उठा लेती थी और आज आंसुओं की नदी बहने के बाद भी माँ नहीं आई। हमारी माँ कभी हमारे पास नहीं आ सकती। ऐसा क्यों किया भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। उनकी माँ का नाम माधुरी था। पूजा के पिता आलोक माधुरी से प्यार नहीं करते थे। उन दोनों के बीच हर रोज झगड़ा होता था। गुस्से में आलोक ने माधुरी से कहा था, अरे तुम जैसी औरत की कोई जगह नहीं है इस दुनिया में, अरे तुम मर क्यों नहीं जाते। उस रात माधुरी बहुत रोई थी और रोते हुए उसने पूजा से कहा था, बेटी अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही तो अच्छे से रहना, सही समय पर खाना खा लेना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। आप ऐसा क्यों कह रही है माँ, आप नहीं रहेंगी तो मेरा क्या होगा। तेरे पिताजी तुम लोगों के लिए नई माँ लाएंगे, वो तुम तीनों से बहुत प्यार करेगी। मेरी गुड्डी अभी बहुत छोटी है, बेटी गुड्डी का अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद से माधुरी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने बिस्तर पकड़ लिया और कुछ ही दिन बाद वो इस दुनिया से चली गई। उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई और भगवान के सामने पहुंचकर वो रोने लगी। मेरी बेटियां बहुत अकेली हैं भगवान, मुझे उनके पास जाना है। देखो माधुरी, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक खास अनुमति देता हूँ। जब तुम्हारी लड़कियों की जान खतरे में होगी तब तुम उनके पास जा सकोगी, तथास्तु। माधुरी को भगवान से वरदान मिला। उधर माधुरी के मरने से आलोक बहुत खुश हुआ। आलोक काम के सिलसिले में एक साल पहले विदेश गया था और वहाँ वो जूलिया से मिला था। जूलिया से आलोक ने शादी का वादा किया था। अच्छा हुआ ये माधुरी मर गई, अब मैं आराम से जूलिया से शादी कर सकूंगा। एक हफ्ते के अंदर आलोक ने जूलिया को विदेश से यहाँ बुलाया और फिर शादी कर ली। जूलिया घर में आई और साथ में एक विदेशी कुत्ते को ले आई। जूलिया ने कहा, ये तुम्हारा घर है आलोक, इसमें कितने कमरे हैं? दो कमरे हैं जूलिया, एक कमरे में हम और तुम रहेंगे और एक कमरे में ये तीनों बच्चे। तो फिर मेरा टॉमी कहाँ रहेगा? मेरी टॉमी के लिए कमरा चाहिए मुझे। इन बच्चियों को कमरे से बाहर निकालो और रसोई में रहने के लिए कह दो। आलोक ने कुछ नहीं बोला, वो जूलिया के प्यार में अंधा था। उसने तीनों को बाहर निकाल दिया और रसोई में बच्चों को रहने के लिए कह दिया। राखी ने कहा, पर हम तीनों रसोई में कैसे रहेंगे पिताजी, रसोई में उतनी जगह नहीं है। ये सुनकर जूलिया ने कहा, तुम तीनों के लिए काफी है, निकम्मे कहेंगे, जाओ मेरे लिए पोमीग्रेनेट जूस लेकर आओ। पोमीग्रेनेट, वो क्या होता है? वाह आलोक, बड़ी अनपढ़ है तुम्हारी बेटी। ये तो ऐसे ही है, इन लोगों की माँ ने कुछ नहीं सिखाया इनको। अनार बेटी, अनार का जूस लाने के लिए कह रही है तुम्हारी नई माँ। अपनी माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनकर पूजा और राखी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। पूजा ने चुपचाप अनार का जूस बनाकर जूलिया को दिया। जूलिया ने कहा, अब जाओ मेरे कपड़े साफ करो, ये लो। ये बोलकर जूलिया ने अपने कपड़े पूजा और राखी के मुंह के ऊपर फेंक दिए। राखी ने कहा, ये तो सिर्फ ब्लाउज है, साड़ी कहाँ है? साड़ी, वो क्या होता है? मैं तुम्हारी माँ की तरह गवार नहीं हूँ जो साड़ी पहनकर घूमूंगी, यही मेरा ड्रेस है। अच्छे से साफ करना, नहीं तो कुत्ते से कटवाऊंगी। पूजा और राखी कपड़े साफ करने लगी। काम खत्म करने के बाद वो दोनों रसोई में गए और गुड्डी रोने लगी। लगता है इसे भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया बेचारी ने। माँ ने गुड्डी का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा था, मैं अभी इसके लिए दूध गर्म करती हूँ। पूजा दूध गर्म करके गुड्डी को पिलाने ही जा रही थी, कितने में जूलिया वहाँ चली आई और बोली, वाह वाह, अपनी बहन को चुपके चुपके दूध पिलाया जा रहा है, और वहाँ मेरा टॉमी क्या खाएगा? दो घंटे हो गए कुछ नहीं खाया मेरे टॉमी ने। ये बोलकर जूलिया ने पूजा के हाथों से दूध का बर्तन छीन लिया और टॉमी के सामने रख दिया। टॉमी बड़े मजे से दूध पीने लगा। गुड्डी भूख से और ज्यादा रोने लगी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ।
रात को सारा काम खत्म करने के बाद वो तीनों रसोई में सो गए। पूजा और राखी के आंखों में आंसू आ गए। अगर हमारी माँ जिंदा होती तो हमें ये सब झेलना नहीं पड़ता। माँ हमें कितने प्यार से खाना बनाकर खिलाती थी, हमारे साथ खेलती थी। माँ आपकी बहुत याद आती है माँ। रोते रोते दोनों सो गए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। जूलिया दोनों के ऊपर अत्याचार करने लगी और छोटी सी छोटी गलतियों पर उन्हें मारने लगी। ये सब देखकर आलोक कहने लगा, और मारो इनको, ये उस माधुरी की बेटियां हैं। मेरा बस चले तो मैं इनको घर से निकाल दूं। नहीं नहीं, तब घर का काम कौन करेगा? फ्री में काम वाली कहाँ से मिलेगी तुमको? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। कुछ दिनों बाद जूलिया की माँ मिसेस गब्रियल जूलिया से मिलने के लिए आई। ये तीनों बच्चियाँ कौन है जूलिया? ये मेरी मरी हुई सौतन की बेटियां हैं माँ, लेकिन ये लोग ठीक से काम कर ही नहीं पाते हैं। तो इन लोगों को निकाल दे, मैं विदेश से तेरे लिए नौकरानी भेज दूंगी। वैसे भी इस देश में तुझे बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। लेकिन नौकरानी का खर्चा भी तो है, वो कहाँ से आएगा? अरे मैं इन तीनों को मेरे साथ विदेश ले जाऊंगी और वहाँ इन लोगों से काम करवाऊंगी। उससे जो पैसा आएगा उसी से तेरी नौकरानी का खर्चा निकल आएगा, और इन लोगों को तो बस एक वक्त का खाना देने से ही हो जाएगा। वाह माँ, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। बहुत अच्छा, तो यही करेंगे। लेकिन राखी ने दरवाजे के बाहर से ये बात सुन लिया। उसने सब कुछ पूजा को बताया। पूजा ने कहा, हमारे हाथ में तो अब कुछ नहीं है, ये लोग जो बोलेंगे हमें करना होगा। मिसेस गब्रियल के कहने पर पूजा और राखी अपनी बहन गुड्डी को गोद में लेकर अगले दिन सुबह सुबह घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मिसेस गब्रियल ने तीनों को गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी चलाना शुरू किया। सुनो, रास्ते में अगर कहीं पर चेकिंग के लिए गाड़ी रोकना पड़े तो अपना मुंह मत खोलना, जो बोलना है मैं बोलूंगी। और ये सुनते ही पूजा के दिमाग में एक आईडिया आया। पूजा को पढ़ना लिखना आता था। उसने देखा कि गाड़ी के अंदर एक कागज पड़ा हुआ है, लेकिन उसके पास पेन नहीं है। इसलिए उसने अपने बालों की क्लिप से अपनी उंगली काट ली और खून से उस कागज के ऊपर हेल्प लिख दिया। कुछ ही देर बाद रास्ते में पुलिस ने गाड़ी रोकी। कहाँ जा रही है? ये बच्चियाँ कौन है? ये तीनों तो मेरी रिश्तेदार है, हम विदेश घूमने जा रहे हैं। पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन तभी पूजा ने वो कागज खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऑफिसर ने उस कागज को उठाया और देखा कि उसमें हेल्प लिखा हुआ है। अरे लड़कियां मुसीबत में हैं। रोको उस गाड़ी को। पुलिस गाड़ी का पीछा करने लगी और कुछ ही देर बाद पुलिस ने मिसेस गब्रियल को पकड़ लिया। ऑफिसर ने तीनों को अपने पास बुलाया। क्या हुआ बेटी, ये कौन है और तुमने ये हेल्प लिखा हुआ कागज क्यों फेंका? तब पूजा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। ये सुनकर ऑफिसर गुस्सा हो गए और उन्होंने मिसेस गब्रियल को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद तीनों को लेकर उनके घर आए। उन्हें देखकर जूलिया डर गई। पुलिस को देखकर जूलिया ने पूजा के गले पर चाकू रख दिया। दूर हटो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। पुलिस डर गई। जूलिया और आलोक गाड़ी में बैठ गए और भागने के लिए तैयार हो गए। तभी कहीं से माधुरी की आत्मा चली आई। उसे वरदान मिला हुआ था। उसने गाड़ी को हवा में उठा लिया और घुमाने लगी। आलोक और जूलिया दोनों का सर चकराने लगा और माधुरी ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। अपनी माँ को देखकर बच्चियां बड़ी खुश हुईं। उन तीनों को आजीवन कारावास की सजा हो गई और उसके बाद से पूजा और राखी अपनी बहन गुड्डी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। प्लीज माँ के प्यार के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।